समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने काले झंडे दिखाए। अखिलेश यादव शनिवार को मां पीतम्बरा 108 महायज्ञ में पहुंचे थे। डालीगंज में गोमती किनारे महायज्ञ हो रहा है। अखिलेश यादव इस महायज्ञ में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन यहीं पर उनका सामना भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से हो गया। कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, साथ ही अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव शनिवार को अपने घर से डालीगंज में आयोजित मां पीतम्बरा महायज्ञ में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। अखिलेश यादव पहुंचते ही इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे थे। अखिलेश के पहुंचते ही सभी ने एक साथ काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव मुर्दाबाद के जोरदार नारे भी लगाए। पुलिस ने बामुश्किल अखिलेश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं को नियंत्रण में लिया। अखिलेश यादव का इस पर गुस्सा फूटा और उन्होंने कहा, बीजेपी हमें शूद्र मानती है। अभी आप खड़े हो, कुछ भी हो सकता है, व्यवहार किसी के साथ भी कोई व्यवहार हो सकता है। याद रखिए, ये बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि बीजेपी बेरोजगारी महंगाई नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह के काम कर रही है। अखिलेश जी, क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी से क्या लेना पड़ेगा, इजाजत लेनी पड़ेगी धार्मिक आयोजनों में जाने के लिए, क्या बीजेपी से इजाजत लेनी पड़ेगी अब? क्या चीज धार्मिक आयोजनों में जाने के लिए? ये बीजेपी में कोई किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके एनएसजी हटाई मेरी। मैं आज समझ सकता हूँ कि एनएसजी क्यों हटाई, सिक्योरिटी क्यों कम की, घर क्यों छीना, आज मैं समझ सकता हूँ। और आज मैं इसलिए भी समझ सकता हूँ, आपको बता दें पिछले कुछ दिनों से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। आज ही उन्होंने संत महात्माओं और सनातन धर्म को लेकर भी विवादित बयान दिया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जवाब भी मांगा जा रहा है। अखिलेश यादव ने इसी सिलसिले में स्वामी प्रसाद मौर्य को दफ्तर में बुलाकर चर्चा की और समाजवादी पार्टी के नेता और विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य ने शनिवार दोपहर को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि उन्हें विवादित बयानों को लेकर तलब किया गया था। मीडिया से बातचीत में भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई खास बात नहीं की, हालांकि जाति आधारित जनगणना समेत कुछ मुद्दों को बताकर निकल गए। भैया तुम इधर ही आ जाओ यार, कुछ करेंगे नहीं तो हम निकल जाएंगे। एक सामूहिक बाइक ही दूंगा, नहीं लेंगे सबको अपना बाइक। शुभम धीरे भाई, बोलिए बोलिए। मुलाकात आपकी हुई अखिलेश? अखिलेश यादव से मुलाकात हुई आपकी? क्या आज एमडी ऊपर रख लिया आपने सबसे? जिन आदिवासियों दलितों पिछड़ों की बात कर रहे थे, उनके आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ने जो संवैधानिक अधिकार के रूप में अभी तक मिलता रहा है उसको खत्म कर दिया है। और इसीलिए अब इस देश के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए पार्टी रणनीति के तहत सबसे पहले जाति आधारित जनगणना की मांग करेगी। और जाति आधारित जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखेगा, लिखी जाएगी। अब हम लोगों की पूरी ताकत के साथ इस बात को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बन चुकी है कि कैसे भी हो, जो भारतीय संविधान ने इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े लोगों को आरक्षण का अधिकार दिया है, भैया अपने सकेंगे भारतीय जनता पार्टी उसको किसी भी हालत में खत्म नहीं कर सकती है। अगर खत्म करेगी तो एक बड़ा आंदोलन होगा और जो भारतीय जनता पार्टी के सफाई के मोबाइल सफाई तक के लिए वो कार्यक्रम चलता रहेगा। आप जो बयान दे रहे हैं, आप बयान दे रहे हैं, बयान दिए थे पर क्या कहेंगे? उस्मान भाई सर नीचे कर लीजिए भाई। भैया आपके समर्थन में है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सामने देखिए सर, उचित अवसर पर वो अपनी बात पूरी तरीके से रखेंगे। आपकी बात हुई और जिस बारे में इस समय स्वाभाविक रूप से सभी मुद्दों पर बात हुई है और
अब हमारी रणनीति का दूसरा पहलू इस देश के दलितों पिछड़ों के आरक्षण को सुनिश्चित कराना, उनको वापस दिलाना, संवैधानिक अधिकार की रक्षा करना रहेगा। तो जो आप बयान दे रहे थे क्या वो पहले रणनीति का हिस्सा था? मुख्यमंत्री ने कहा है कि सनातन धर्म ही इस देश का राष्ट्रीय धर्म है, सबसे ऊपर बताया। इस सब का जवाब नेता प्रतिपक्ष के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी विधानसभा में उनके सामने देंगे जिन्होंने सनातन धर्म की वकालत की। सर 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 भारत।